कैमूर जिले के दुर्गावती में इन दिनों डायरिया का कहर है। सरियाव गांव के 30 लोग बीमार पड़ गए हैं। इलाज के लिए डॉक्टरों की टीम जुट गई है। डायरिया के प्रकोप से गांव के लोग अभी भी भयभीत हैं। उल्टी दस्त से एक एक कर लोगों के बीमार होने का सिलसिला लगा हुआ है। 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। बीमार लोगों का गाँव के PHC और अनुमंडलीय अस्पताल मोहनिया में इलाज किया जा रहा है। गाँव के लोग नल जल योजना से आने वाली पानी को बीमारी की वजह बता रहे हैं। पहले हमारा गांव सुरक्षित रहा, सुरक्षित अभी अब तक रहल है। 2-4 महीना पहले से जो नल जल लगा है उसका पाइप फट गया था। कितने दिन से फटा था पाइप? हो गल 3-4 महीना। 3-4 महीना से फटा? हाँ। अच्छा। और कोई बेरी बनल आ कोई बेरी वो बंद नहीं भल चलुए रहल। ओकरे बाद अब कैसे गांव में महामारी आई, आज 5-7 रोज से धीरे 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 ये बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? पानी दूषित हो रहा है आ कि वायुमंडल दूषित हो रहा है, ये हमन के समझ में नहीं खाया। और जो जल नल योजना की स्कीम है वो जो है जगह जगह पाइप फट गए है। पाइप बिछाने वाले लोग क्या किए कि 1.5 फीट 1 फीट कहीं कहीं पाइप बिछा कर और चले गए, और नीचे से जब फट गया जो जा रहा है आरी आरी पानी गली का वहाँ फट गया है। मान लीजिए कि हम टंकी के चालू किए, पानी गया तो गया, अगर बंद हुए टंकी तो अंदर जाके वही पानी नाली का खींच दिया। अब जब दोबारा चालू हो गया तो फिर वही पानी जाएगा। दूषित होने के कारण हमारे गाँव में डायरिया इतना अधिक है कि 40% डायरिया है। ग्रामीणों का कहना है कि 7 निश्चय योजना के तहत लगाए गए नल जल का जो मेन सप्लाई पाइप है वह नालियों में लगाया गया है। जगह जगह पर पाइप फट जाने के कारण गंदा पानी सप्लाई पाइप में प्रवेश कर जा रहा है, जिसके कारण लोग डायरिया से ग्रसित होते जा रहे हैं। सिविल सर्जन मीना कुमारी ने बताया कि सूचना मिली है कि सरियाव गांव में दूषित पानी के चलते लोगों को डायरिया हो गया है। स्थिति को काबू में करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार काम कर रही है। सूचना दी गई कि सरियाव गांव में पानी के चलते लोगों को डायरिया हो गया है। तो कल तो परसों ही से हमारी टीम यहां दूषित पानी के चलते परसों ही से हमारे यहां टीम लगी हुई है, और इसकी सूचना मिलने के वजह से फिर हम आज यहां आए हैं। तो यहां लोगों को करीब 8 लोगों को यहां फ्लूट पानी चल रहा था तो आज है, और वहाँ PHC दुर्गावती में भी वहाँ 6 पेशेंट हैं जिनका इलाज चल रहा है। स्थिति वहाँ मैं गई देखी, स्थिति उन लोगों की ठीक है। यहाँ भी जो लोग एडमिट थे तो 2 की हालत थोड़ी ठीक नहीं थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में लगातार कैंप कर रही है। 3 शिफ्टों में डॉक्टरों की तैनाती की गई है। गाँव में एम्बुलेंस के साथ डॉक्टर दवा पानी के साथ मौजूद है। देशवा न्यूज के लिए कैमूर से प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।